बीजेपी के प्रवक्ता हाँ, भी हैं, करणी सेना हाँ, के अध्यक्ष भी हैं, कुंवर साहब। टिकैत साहब, जो कुंडली बॉर्डर पे जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो आसपास उनकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर उनका अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहां के आसपास के किसानों की फसलें सड़ गई हैं, वहां के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर टेंटों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, शराबों की सप्लाई हो रही है और दलितों के हाथ पैर काट के लटकाए जा रहे हैं, क्या ये आंदोलन है? ये गुंडागर्दी नहीं? दिल्ली आ जान दो, नहीं दिल्ली आप से तो कोई मतलब आप, है नहीं, हरियाणा सरकार सर, से तो कोई मतलब नहीं। साहब पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जिनको आप निहंगों का मामला बता रहे हैं, दलितों के हाथ काट दिए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं सर? हमने ये कहा कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। आप उनके साथ धरने पर बैठे, आप उनको पैसे दे के, पैसे दे के आप बुला रहे हैं उनको सर, पंजाब से पैसे दे के बुला रहे किसी मजदूरों को, उसको पैसे दे के उनके वहां बीड़ी पीना और उनको न्यूसेंस करना के तुमको हम देखेंगे। टेंटों में बलात्कार होना, शराबों की सप्लाई होना, वहां पर वो कौन लोग कर रहे हैं सर? शराब की सप्लाई करते हैं सरकार के लोग। आप खालिस्तान समर्थकों के साथ खालिस्तान बलात्कारियों के साथ बताओगे प्रणव खालिस्तान साहब, मतलब आप सरदार को खालिस्तान नहीं बताओगे देश में? कुंवर साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यही तो भाषा है, इनकी सरकार है मोदी की। राहुल गांधी से क्या लिंक है आपका? हमारा कोई लिंक नहीं है। सेटिंग क्या हुई तो बता दो। हमारा कोई लिंक नहीं है। बादल से जैसे आपकी आपको सम्मान दिया है और आप तिरंगे का अपमान करेंगे लाल किले पर, क्या हुआ आप बताओ? खड़े होकर लाल किले पर किसने नहीं देखा? आपकी नजरे है देखने के और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। एक बात बताओ, तिरंगा बड़ा है देश में या भगवा बड़ा है? सर भगवा से बताओ, भगवा है परंतु तिरंगा मेरे देश की शान है सर। अरे रुक तो जा, हाथ लगा तिरंगा बड़ा है भगवा साहब इस पे आए। एक मिनट रुक जा, तिरंगे को हाथ लगाकर दिखा कोई, ये आज तो पकड़ में आए, तिरंगा बड़ा है भगवा बड़ा है? तिरंगे में पहले रंग भगवा है सर, और जो जो आपने टोपी पहन रखी है हरा भी है उसमें, सही नहीं बताने के? परंतु ये मतलब नहीं है क्या आप बलात्कार करेंगे टेंटों में? आपके मुख्यमंत्री ये कहते हो, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कि लट मारो, आपके आरएसएस में सिखा जाता है लाठी मारोगे आप उनसे? किसी ने नहीं मारा। आपके मुख्यमंत्री लाठी मार के लोगों को हत्या करोगे? अरे मुख्यमंत्री के आप लोगों ने विरोध जितना किया है, हमारे विधायकों के घर में घुस घुस कर आपके आंदोलन नहीं था ऐसा है? किसान के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आप किसान बड़े किसान नहीं है? आप किसान नहीं हो सकते? आप किसान के ठेकेदार बनो, आप किसान नहीं हो सकते? आप किसान के ठेकेदार ना बनो, किसान के ठेकेदार जो यहाँ पे बैठे हैं। अरे दक्षिणी हरियाणा के कितने किसान बैठे हैं आप बताइएगा? एक मिनट, पूरे देश में है आंदोलन दक्षिणी हरियाणा के। आप दुआ दो ना, हमको ठुआ दो भाई, कोर्ट से वो करवा के हमको ठुआ दो। किनको? जो बैठे हुए और कौन है? वे कौन कह रहा नहीं बैठाए? जो किसान बैठे हैं वे किसान है। अरे कानून अपना काम करेगा, कानून ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है। मोदी सरकार से हमने नहीं बात करी, एक मिनट मेरी ने ये कहा कि अगर सरकार आपकी, अरे सरकार आप अरे नहीं कर रहे ना, ना अगर एक मिनट, अगर किसी मंत्री को आप बोलने की पावर दे दोगे वहाँ पे, नरेंद्र सिंह तोमर दो आदमी को भी छोड़ दोगे ना, समझौता हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद जी बैठे हुए हैं? नहीं कोई एक मिनट, अरे उनके पावर किसी के पास में है नहीं, हमारे कैबिनेट कोई पावर नहीं है उनके पास में, मिनिस्टर है कैबिनेट नहीं है पावर, नहीं है पावर, कृषि मंत्री लिखने का है, नहीं है पावर।